हेलो एवरीबॉडी। कल सीबीएसई ने सिलेबस लॉन्च कर दिया अपना, और मैंने एक बहुत पहले एक बात कही थी। मैंने भी पढ़ा था कि सीबीएसई और जेई भी केमिस्ट्री का वेटेज कम करने पे लगे हुए हैं। तब मुझे यकीन नहीं आया इतना। पिछले साल ट्विटर पे बच्चों ने फिजिक्स हटवाने के लिए अभियान चलाया था नीट से, तो फिजिक्स तो खैर क्या हटेगी, डॉक्टर क्या बनोगे? अरे बिना फिजिक्स के बताओ, डॉक्टर क्या बनोगे भाई फिजिक्स हटवा कर? क्योंकि अगर डॉक्टर आप देखोगे, आप बड़ा हॉस्पिटल किसे बोलते हो जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर से टेस्ट मशीनें, आजकल पूरी जो मेडिकल साइंस है पूरा बदल चुका है। उसमें वो वाला फील्ड खत्म हो गया, डॉक्टर ने हाथ देखा, नर्वस देखी, स्टेथोस्कोप से लटका के देखा और आपको दवाई दे दी। आजकल आप बड़ा हॉस्पिटल किसको बोलते हो जहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है, तो फिजिक्स तो नहीं हट सकता। लेकिन जो अभी सिलेबस आया है सीबीएसई का, केमिस्ट्री की मैं देख रहा था, पूरा हमारी टीम काम कर रही है और हमने जो देखा उससे हिल जाओगे आप भी। केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हटा दिए हैं, इससे पता चलता है कि सीबीएसई कहीं ना कहीं केमिस्ट्री को तो वेटेज ही उड़ाने वाली है। जबकि अब तो कोरोना भी नहीं है, पूरा सिलेबस लॉन्च किया सीबीएसई ने 1 साल का, टर्म फर्स्ट टर्म टू भी नहीं हो रहे हैं, एक साथ पेपर होंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा पेपर। ये कंप्यूटर है मेरा, यूनिट 1 में सॉलिड स्टेट पूरा साफ कर दिया है, यूनिट 2 सॉल्यूशन है, यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसके बाद यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स है। अभी तक इसके जो चैप्टर हैं इनमें से अंदर से कुछ डिलीट नहीं हुआ, हमें नहीं मिला। इसके बाद यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री, जो टफ चैप्टर माना जाता था नीट में और जेई में बहुत आता था, वो पूरा उड़ा दिया, चैप्टर ही उड़ा दिया भाई। मतलब हलवा था केमिस्ट्री पहले से, उसको और हलवा बना दिया। यूनिट 6 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब मुझे लग रहा है टीचर पढ़ाएगा क्या, बच्चा पढ़ेगा क्या? मतलब केमिस्ट्री वालों के तो मजा आ गया, टीचरों के पढ़ाना कुछ है नहीं, फीस पूरी मिलेगी उन्हें। तो ये भी हटा दिया, यूनिट 6 भी हटा दी पूरी, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स ये भी पूरा हटा दिया है। इसके बाद यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट। मैं जब भी केमिस्ट्री के टीचरों को देखता था, जहां भी मैं देखता हूं उन्हें, तो पी ब्लॉक पढ़ाते रहते थे। पी ब्लॉक पूरा उड़ा दिया, लो भाई पढ़ा लो पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। मैं देखता था बच्चे पी ब्लॉक, मैं क्या पढ़ रहे हो पी ब्लॉक, क्या फिजिक्स क्लास में क्यों नहीं आए, पी ब्लॉक, हर जगह पी ब्लॉक हटा दिया। इसके बाद यूनिट 8 जो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट वो है, यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यूनिट 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स ये भी हैं, यूनिट 11 एल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर्स ये भी है, यूनिट 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी है, यूनिट 13 अमाइंस भी है, आसान चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स भी है 14 यूनिट, और 15वीं यूनिट पॉलीमर्स, जो कि मुझे लगता है मॉडर्न जो साइंस है इस टाइम उसके हिसाब से पॉलीमर्स तो होना चाहिए था, पॉलीमर के बेस पे तो सब कुछ है। ये जो आप ये देख रहे हो ना अलमारी, ये वाली जिसमें किताबें रखी हैं, ये पॉलीमर से ही बनी है, ये पॉलीमर टेक्नोलॉजी है, प्लास्टिक की बनी है पूरी, तो ये सब पॉलीमर टेक्नोलॉजी, पॉलीमर पूरा हटा दिया। तो पता नहीं क्या सोच के सिलेबस बनाया है। अगर मैं, हमारे गांव में से बोलते हैं भांग पी के काम कर रहे हो क्या, तो मैं सीबीएसई को तो नहीं कह सकता, बट हाँ कुछ तो होगा इसके पीछे। या तो केमिस्ट्री का वेटेज धीरे धीरे खत्म ही कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और यूनिट 16 जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि मुझे लगता था कि हाँ भाई पढ़ना चाहिए बच्चों को, वो भी पूरा हटा दिया। तो यार ये क्या हो रहा है, आप लोग कमेंट करिएगा। 6 चैप्टर, 1 2 3 4 5, 6 चैप्टर अभी तक हमें मिल गए हैं, पूरे पूरे उड़ा दिए 6 चैप्टर भाई, 16 में से 6 चैप्टर उड़ा दिए। मतलब केमिस्ट्री वाले टीचरों के तो मजे आ गए। जितने भी केमिस्ट्री टीचर मेरी वीडियो देख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके मजे आ चुके हैं, आपका सिलेबस हो गया है करीब करीब 40% कम, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा, और बच्चों के मजे हैं। फिजिक्स में कुछ डिलीट नहीं हुआ, एक भी चैप्टर डिलीट नहीं किया, बस छोटे छोटे कहीं कहीं से टॉपिक हटा दिए, एक दो, वो भी ज़्यादा नहीं। तो अगर हमें मिलता है कि केमिस्ट्री के अंदर से कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं चैप्टर में से, तो मैं उसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप बताइएगा कमेंट करके क्या मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसकी। फिलहाल मैंने आपको पूरा दिखा दिया है, आप थोड़ा नज़दीक से देख लीजिए इसको, ये चैप्टर पूरे आपके डिलीट हो चुके हैं, देख लीजिए। सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो पूरा हटा दिया भाई ये तो, केमिस्ट्री तो गयो। कमेंट करिएगा आपको ये फैसला कैसा लगा, क्या आपको खुशी है, क्या आपको पता था पहले से वीडियो बनाने से पहले कि 6 चैप्टर आपके हट चुके हैं, क्या आपको इससे पहले कोई वीडियो मिली क्या, और अब आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आपकी तो निकल पड़ी, अब आप मजे करो अब। लेकिन जो तुम हर टाइम केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम निकाल के फिजिक्स को देते हो। जय हिंद।